हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर कैटलिस्ट एकेडमी। तो आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम लोग कवर करेंगे वो पंचायती राज है। पंचायती राज जो भी एग्रीकल्चर के मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम हो गया, इफको एजीटी अभी मेंस होने वाला है एनएससी में जो है। इसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हर साल जो है पंचायती राज से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज इन्हीं को इसको जो है बेसिक कवर करेंगे और इसमें आपका जो बेसिक पंचायती राज है थ्योरी बेस का वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर अगर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। सबसे पहले बात कर ली जाए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिसे शॉर्ट में PRI बोलते हैं वो है क्या। पंचायती राज अगर इस शब्द को तोड़ के देखा जाए, पंचायती प्लस राज मतलब पंचायत का राज, पंचायत का, अब पंचायत है क्या अगर बात कर ली जाए तो पंचायत जो है आपका संस्कृत वर्ड से 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंच प्लस आयत। पंच मीन्स होता है 5, जैसे नाम से समझ में आ रहा, 5 पंच, और आयत का मीन्स होता है असेंबली, मतलब 5 लोगों की सभा असेंबली। जैसे आप जो डायग्राम इसमें आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आप उसमें भी देख सकते हैं कि 8-10 लोग 15 लोग जो है पेड़ के नीचे जो है बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि और कौन कौन सी जो गांव के विकास के लिए किस प्रकार से काम किया जा सकता है, और कौन सी योजनाएं बनाई जा सकती हैं, किस प्रकार से रोजगार बढ़ाया जा सकता है, जो आपके लघु कुटीर उद्योग होते, मध्यम कुटीर उद्योग होते, इनको कैसे डेवलप किया जा सकता है, विलेज लेवल इंडस्ट्री कैसे डेवलप की जा सकती है, ये सारी चीजें जो है इस पंचायती राज के अंतर्गत आती है। मतलब जो है ग्रामीण विकास अगर बात कर ली जाए, ग्रामीण विकास सबसे इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण विकास के साथ साथ में ग्रामीण में ही रोजगार का विकास हो सके, ताकि जो गाँव के लोग हैं उनको गाँव में ही रोजगार मिल सके। इन सारी चीजों को देखते हुए जो है एक ऐसे ही इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था करना बहुत जरूरी था, जो कि मतलब आपके लोगों के बीच के, जो गांव के लोगों के बीच के लोग इलेक्ट हो सके, नियुक्त हो सके, और उन्हीं के विकास के लिए जो काम कर सके। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है, तो इज अ सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। मतलब ये आपकी लोकल जो है सेल्फ गवर्नमेंट है। जैसे बात की जाए जो सेल्फ गवर्नमेंट कैसा है कि आप अपने खुद के द्वारा जो है वोटिंग करेंगे, वोटिंग के बाद में जो आपके पंच और सरपंच जो है आप लोग वोटिंग के माध्यम से उनको नियुक्त करते हैं, तो ये जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आता है। अब बात कर ली जाए इसमें होता क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था लागू करने का, स्थापित करने का, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। मान के चलिए जो आपकी सेंट्रल की गवर्नमेंट या स्टेट की गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री या सीएम जो है डायरेक्ट आपके गांव को नहीं देख सकते, या आपके गांव की व्यवस्था को नहीं देख सकते, योजनाओं को नहीं देख सकते, यहाँ पे अपने लेवल पे जो है चीजों को देखने के लिए व्यक्ति होने चाहिए। गवर्नमेंट जो है कुछ बात कर ली जाए जो उनके प्रतिनिधि होते हैं उनके होने चाहिए, ताकि वो इन व्यवस्थाओं को देख सके, योजनाओं को देख सके, आपके विकास के लिए काम कर सके। इन सारी चीजों को देखते हुए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब डेमोक्रेटिक का सेंटर नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता को जो है छोटे मतलब अगर एरिया तक पहुंचाया जा सके और वहां पे बैठा हुआ व्यक्ति अपने अनुसार जो है काम कर सके, योजना बना सके, ताकि उस क्षेत्र का अच्छा विकास हो सके। क्योंकि दिल्ली में बैठने वाले लोग या मान के चलिए जो आपके स्टेट की कैपिटल में बैठने वाले लोग आपके गांव की व्यवस्था को उतना अच्छा तरीके से नहीं जानते जितने अच्छे तरीके से आपके पंच और सरपंच जानते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो है व्यवस्था की गई थी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है, मैंने आपको बताया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स बाय सच लोकल बॉडीज हु हैव बीन इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये इसकी लोकल मतलब डेफिनेशन हो। अब इसके बाद बात कर ली जाए जो डेमोक्रेसी है क्या, तो डेमोक्रेसी जो है आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया वर्ड है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस डेमोस मीन्स होता है द पीपल और क्रेसी मीन्स होता है रूल ऑफ, तो रूल ऑफ द पीपल ऐसा फेमस डेफिनेशन है अगर आप लोगों ने सुना हो। इट इज द गवर्नेंस ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, मतलब जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए जो है शासन है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है बेसिकली इसी चीजों पर जोर देता है कि जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, मतलब जनता का किस प्रकार से अपन लोग समुचित तरीके से विकास कर सकते हैं, समन्वित तरीके से विकास कर सकते हैं, इन सारी चीजों को जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो है देखा जाता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है
इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे की भूमिका क्या रही है, इसके पीछे और भी कौन से प्रोग्राम रहे हैं, इन सारी चीजों को देखते हैं। जब अपना देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद में सरकार ने ये सोचा कि गांव, मतलब जो हमारे गांव है, सुदूर गांव है, दिल्ली से कितने दूर दूर तक गांव है, उनका अच्छे तरीके से विकास किया जा सके, एक विकास की नई राह को बनाया जा सके, इन सारी चीजों को देखते हुए सबसे पहले जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसको शुरू किया गया। जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पहले भी सुना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। इसको गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर जो है 2 अक्टूबर 1952 को जो है इस प्रोग्राम को जो शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम जो है सबसे ज्यादा जो प्रभावित था वो इटावा पायलट जो प्रोजेक्ट था आपका, जिसको लीड कर रहे थे अल्बर्ट मेयर, उससे प्रभावित था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इसमें क्या था, कम्युनिटी डेवलप जो आपका इटावा प्रोजेक्ट था इसमें रूरल डेवलपमेंट पे अच्छा खासा फोकस किया गया था कि रूरल डेवलपमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है, कृषि को किस प्रकार से विकास किया जा सकता है, कृषि को किस प्रकार आपका बिजनेस के उपक्रम में लेकर आया जा सकता है, और गांव में ही किसानों का समुचित विकास किया जा सकता है, आर्थिक उनकी स्थिति सही की जा सकती है, गांव में किस प्रकार से रोजगार पैदा हो सकते हैं, किस प्रकार जो है युवाओं को प्रशिक्षण देना, ये सारी चीजों को जो है इटावा प्रोजेक्ट में जो है अच्छे तरीके से किया गया था। इसी को देखते हुए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो है शुरुआत की गई थी। अब क्या है 1953 में जो है, और जो आपका इटावा पायलट प्रोजेक्ट है या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसके जो है काफी अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन इसमें कुछ खामियां रही हैं। अगर बात कर लिया जाए कि उसमें क्या क्या खामियां रही हैं तो इसको देख लेते हैं। इससे पहले एक 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की भी शुरुआत की गई थी, लेकिन इन प्रोजेक्टों में क्या है, जनता का उतना ज्यादा प्रतिभागी और उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया, जिस कारण से उतनी ज्यादा इस प्रोग्राम को सफलता नहीं मिल पाई। इन सारी चीजों को देखते हुए जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो है व्यवस्था की गई। सबसे पहले 1957 में जो है मद्रास स्टेट में जो है पंचायती राज को जो है पायलट प्रोजेक्ट लेवल पे शुरुआत किया गया था। इसके बाद में बात कर ली जाए और जो आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसकी फेल होने की क्या क्या वजह रही है, कारण क्या क्या रहे हैं, तो एक है आपका एक्सेसिव पॉलिटिक्स, लैक ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन। जैसे मैंने बताया कि इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था जनता का पार्टिसिपेशन, अगर जनता पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी किसी भी योजना में, सरकार चाहे जितनी भी अच्छी योजना बना ले, लेकिन अगर जनता पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो फिर उस योजना का कोई भी अर्थ नहीं निकल जाता। इसलिए जनता की जो मतलब जनता के लिए जो भी योजनाएं बन रही उसमें अगर जनता प्रतिभाग करेगी, पार्टिसिपेशन करेगी, तभी वो प्रोग्राम जो है सफल हो सकता है। तो ये सारी चीजें थी। इसके अलावा लैक ऑफ ट्रेंड एंड क्वालिफाइड स्टाफ नहीं थे उतना ज्यादा, क्या है आजादी के तुरंत बाद की तो इंडिया की उतनी अच्छी लिटरेसी भी नहीं थी, और जो एजुकेशन सिस्टम था उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाया था। तो ये सारी चीजें जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेल होने की जो है मुख्य वजह रही है। लेकिन जो अगर आप टेक्निकली देखें तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के प्रोग्राम जो है उसके भी अच्छे रिजल्ट मिले हैं, और काफी अच्छा जो है उसने भी सहयोग दिया है। इन सारी चीजों को दूर करते हुए, कमियों को दूर करते हुए जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो है स्थापना करने के लिए विचार किया गया, और सबसे पहले एक कमेटी गठित की गई। यहाँ पे देख लेते महात्मा गांधी जी के क्या विचार है। महात्मा गांधी जी ने कहा था जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा तब लोक मत ऐसे भी अनेक काम कर दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। मतलब महात्मा गांधी जी जो थे वो पंचायती राज, ग्राम स्वराज, इन सारे विचारों के जो है प्रबल पक्षधर थे, और उनका कहना था कि जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा तो सभी लोग लोक मत से, मतलब अपने लोक मतलब सबके मतानुसार जो है कोऑपरेटिव जो है सहयोग की भावना से ऐसे ऐसे फैसले लेंगे कि जिससे जो हिंसा भी काम नहीं कर सकती वो आपका पंचायत राज कर दिखाएगा। तो ये जो है महात्मा गांधी का कथन था। ये सारी चीजें जो है डेफिनेशन जो है मैंने हिंदी में लिखी, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको भी समझ में आ जाएगा, और ये डेफिनेशन मैंने पहले ही आपको अच्छे से समझा दी है। तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर ली जाती है कि 1957 में जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक कमेटी गठित की जिसे बलवंत राय मेहता कमेटी कहा जाता, बलवंत राय मेहता कमेटी जो है गठित की गई बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में। अब इसमें क्या था, इसको जो है मतलब इन्होंने 3 टीयर जो पंचायती राज है उसको जो है रिकमेंडेड किया, और 3 टीयर पंचायती राज में क्या था कि सबसे पहले वह आपका ग्राम पंचायत,
ग्राम पंचायत कैसी होती थी, जो विलेज लेवल पे स्टेब्लिश की जाती थी। इसमें आप पंच और सरपंच नियुक्त करते थे। फिर उसके बाद में होता था उसके ऊपर जो है पंचायत समिति, जो कि आपका होता था ब्लॉक लेवल पे। यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे व्यवस्था की जाती थी, और जो तीसरा चरण था वो जिला परिषद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था। तो ये थ्री टीयर जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो है बलवंत राय मेहता कमेटी की अध्यक्षता में उन्होंने ये रिकमेंडेशन सिफारिश की, और जो है इसको जो है पायलट प्रोजेक्ट पे स्टार्ट कर दिया गया। और जो सबसे पहले इसको राजस्थान में स्टार्ट किया गया, और 2 अक्टूबर 1959 को जो है ये थ्री टीयर जो पंचायती राज सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट किया गया। इसके बाद में जो बात कर ली जाए, एंड इसमें कुछ और भी रीजन रहे हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसमें जो है पीपल्स पार्टिसिपेशन उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन पंचायती राज में जो है सीधे सीधे पीपल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था। अगर जैसे बात कर ली जाए इंडिया के एंशियंट टाइम में भी, तो जो वैदिक एरा हो गया या उसके बाद के जो भी मतलब डायनेस्टीज रही है, वहां पे काफी अच्छे तरीके से अगर बात कर लिया जाए, जो बेसिकली भारतीय डायनेस्टी रही है, तो वहां पे काफी अच्छे तरीके से जैसे सभा समिति इन सारी चीजों का जिक्र मिलता है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से गांव के विकास और शहर के विकास के लिए काफी अच्छा, रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट दोनों के लिए काफी अच्छे थी। तो इन सारी भावनाओं को लेते हुए, उनको समाहित करते हुए जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो है स्थापना की परिकल्पना की गई। और इसके बाद में 2 अक्टूबर 1959 को जो है इसको ग्राउंड लेवल पे जो है इम्प्लीमेंट किया गया, और जो कि सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया ये राजस्थान के जो आपका स्टेट है वहां पे सबसे पहले जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसके बाद में क्या है, कुछ और भी कमेटी जो समय समय पे अपॉइंटमेंट हुई, उन्होंने अपने विचार रखे कि किस प्रकार से और भी मतलब इम्प्रूव किया जा सकता है और सुधार हो सकते हैं। कुछ कमेटी ने टू टीयर पंचायती राज दिए, और कुछ ने अपने अपने सुझाव दिए। तो जो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट कमेटी है वो अशोक मेहता कमेटी भी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इसकी अशोक मेहता कमेटी की जो है उसको अशोक मेहता जी के अध्यक्षता में जो है नियुक्त किया गया था 1977 में। इसमें क्या था, इन्होंने टू टीयर पंचायती राज की जो है सुझाव दिए थे, रिकमेंडेशन दिया था। टू टीयर पंचायती राज में क्या है, एक तो हो गया आपका मंडल पंचायत जो कि आपका ब्लॉक लेवल पे मंडल लेवल पे होता है, दूसरा हो गया आपका जिला परिषद जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो अशोक मेहता कमेटी ने 1977 में जो है टू टीयर जो है पंचायती राज के लिए रिकमेंडेशन दिया था। इसके अलावा जो और भी कमेटी थी जो समय समय पर गठित की गई, उन्होंने अपने विचार दिए, जिसमें बात कर ली जाए हनुमंता राव कमेटी हो गया, जीवी के राव कमेटी हो गया, एल एम सिंघवी कमेटी हो गया, पी के थुनगन कमेटी हो गया, हरलाल सिंह खर्रा कमेटी हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप की जो है कमेटी समय समय पर गठित हुई। इम्पोर्टेंट ये नहीं है सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए बलवंत राय मेहता कमेटी उन्होंने कब मतलब इम्प्लीमेंट किया गया, उन्होंने कितने टीयर पंचायती राज दिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं पर पूछा जाता है कि जिला परिषद किस लेवल पे जो है काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पंचायत समिति जो है वो आपका आपका ब्लॉक लेवल पे काम करती है, और ग्राम पंचायत जो है वो विलेज लेवल पे काम करते। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, और क्वेश्चन जो है आमतौर पे यहीं से पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। तो आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बाकी कमेटी से उतना ज्यादा नहीं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि इन सारी कमेटियों ने भी अपने अपने सुझाव दिए। इसके बाद में बात कर ली जाए, जो मतलब अपन लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज डे मनाते, तो उसकी शुरुआत क्या हुई थी, तो 73rd और 74th से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए थे, इसको दिसंबर 1992 में जो है पास किया गया था संसद से। इसमें क्या था, मैंने आपको बताया कि इसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संवैधानिक दर्जा बहुत ही जरूरी था, क्योंकि संवैधानिक जब तक दर्जा किसी भी कानून को प्राप्त नहीं होता, तब तक उसकी वैलिडिटी उतनी नहीं मानी जाती जितना उसका जरूरी रहता है काम इम्प्लीमेंट हुआ, इसलिए इसको वैधानिक संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसके बाद में जो है इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में काम स्टार्ट हो गया था, और तभी से जो है इंडिया का वास्तविक जो है विकास गांव लेवल पे, शहर लेवल पे, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट तभी से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मतलब समय जो भी समितियां थी उन्होंने अपने जनता के निर्णय के द्वारा, लोक मत के द्वारा जो है काम करना स्टार्ट किया, और काफी सारी ऐसी योजनाएं बनाई। आज के समय पे आप काफी ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे, जो आपके आदर्श विलेज हो गए, मॉडल
मॉडल विलेज हो गए, ये सारी परिकल्पना जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बिना जो है संभव नहीं थी। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो 20 जो आपका 73rd और 74th से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुए थे पार्लियामेंट से, इसको जो है जो दिसंबर 1992 में पास हुए थे, इसको जो है पूरे इंडिया में जो लागू किया गया था वो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसलिए जो है 24 अप्रैल 1993 को जो है, मतलब 24 अप्रैल को जो है आपका पंचायती राज डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और कॉन्सेप्ट थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में, जो कि आपके और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते, चाहे वो आपका किसी भी लेवल को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, सारे क्वेश्चन लगभग यहीं से पूछे जाएंगे। और आपको इतनी बेसिक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, ज्यादा डीप में नहीं पूछता, सिर्फ इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो ये जो है आज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोगों ने पूरा कवर किया। इसके जो एमसीक्यूज हैं वो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि जो भी इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ में हमारी जो भी एमसीक्यूज वाली क्लास होती है वो बहुत क्लास इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। एक्सटेंशन की मैराथन क्लास अपलोड है चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप कोई एजीटी मेंस एनएससी की तैयारी कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगी। उसमें लगभग मैंने एक्सटेंशन की सारी जो बेसिक चीजें हैं वो कवर कर ली है। इसके अलावा जो आपका जनरल एग्रीकल्चर की मैराथन अपलोड्स है, प्लांट पैथोलॉजी की आप क्लास देख सकते हैं, उसमें मैंने काफी अच्छे तरीके से बेसिक प्लांट पैथोलॉजी को कवर किया है। और भी वीडियो अभी आने वाले हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपकी बेसिक तैयारी अच्छी हो जाएगी, साथ ही साथ में बेसिक टू एडवांस तैयारी भी आप अच्छी कर पाएंगे। तो जब तक मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, और कमेंट भी करिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा।